गोर्खा समाज पहाड़बाट पनि धेरै संख्यामा आउनु भएको छ। आजको यो सभा तपाईको हकका लागि हो, अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हो, चिया बगान बचाउनका लागि हो, हाम्रो भविष्य बचाउनका लागि हो। हामी सबै तपाईका साथमा छौ। अब चिया बगान पनि राम्रोसँग चल्छ र तपाईको हक र तपाईको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम पनि भारतीय जनता पार्टीले गर्नेछ। पूरै नर्थ बंगालमै वो 380 बड़े चाय बगान के जो गार्डन है, वहां काम करने वाले श्रमिकों के और उसके अलावा 1000 से ज्यादा जो छोटे बगान है, उन बगान से जो श्रमिक हमारे भाई बहन जुड़े हैं, उन सब के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। हम सब जानते हैं जो है चाय बगान पूरे नॉर्थ बंगाल की रीढ़ की हड्डी है और चाय बगान में जो श्रमिक काम करते हैं, पहले सीपीएम ने उनका शोषण किया, आज टीएमसी वही काम कर रही है। आप सबको आपका हक मिले, आपको आपका सम्मान मिले और आपको आपका अधिकार मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल तक बगान के बाहर रह करके आपकी मदद करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस ऐतिहासिक दिन में ये घोषणा की है, अब भारतीय जनता पार्टी का हर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी बगान में आपके साथ खड़े होकर के आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेगा। टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ जो है बगान को लूटा है, नॉर्थ बंगाल को लूटा है, अब ये लूट और ये शोषण चाय बगान में नहीं होगा। जोंदा ने कई सारे बातें बताई। सबसे पहली बात, हम सबका मांग है कि चाय बगान में मिनिमम वेज एक लागू होना चाहिए, यानी बाकी श्रमिकों को पश्चिम बंगाल में 350 रुपया रोजाना हाजिरा मिलता है, बगान के श्रमिकों को भी कम से कम 350 रुपया मिलना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है ममता दीदी को, टीएमसी से ममता दीदी से मांग है कि सभी श्रमिक भाई बहनों को कम से कम 350 रुपए मिलना चाहिए। और मोदी जी ने ये काम कर भी दिया, 2020 में भारत के संसद में ये कानून पास हुआ और मिनिमम वेज एक आज देश भर में लागू है, लेकिन कई प्रदेश और उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है जहां उस कानून को आज तक ममता दीदी ने लागू नहीं कराया। दूसरी बात, पर्जा पट्टा की बात आई। आज देखिए रोहिंग्यास घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, उनको बगान का पक्का पट्टा मिल रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं के जो पैसे हैं वो उनके जेब तक पहुंच रहे हैं। लेकिन चाय बगान में हमारे जो श्रमिक है, 200 साल हो गए आज काम करते हुए, उनके पास घर भी है, उनके पास बाड़ी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक टीएमसी ने उनको जमीन का पट्टा नहीं दिया। और तो और आज 15% चाय बगान का जमीन, आप सबको पता है 5-स्टार होटल खुल रहे हैं, यानी मालिक को 15% जमीन दिया, जिस जमीन पे 5% से कम जमीन में जहां हमारे श्रमिक रहते हैं उनको आज तक जो है जमीन का पट्टा नहीं मिला। आपके अधिकार के लिए आपको पट्टा मिले, वो भी 5 डेसिमल पट्टा नहीं, रिफ्यूजी पट्टा नहीं, पक्का सरकारी कागज वाला पट्टा, और पूरा का पूरा जमीन जो आपके अधीन है वो आपको दिला के रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा है। और अब बोनस का समय आ गया, पूजा का समय आ गया, बगान बंद हो रहे हैं, बगान के मालिक ताला लगा के भाग रहे हैं जिससे बोनस देना नहीं पड़े। याद रखना, मैं मन से कहता हूं, अगर 20% बोनस नहीं मिलेगा तो जो फर्स्ट प्लस होता है, पहला चाय पत्ती टिपा जाता है, वो कोई भी श्रमिक उस चाय पत्ती को नहीं टिपेगा। अगर 20% बोनस मिला तभी पहला फर्स्ट का चाय पत्ती टिपा जाएगा, नहीं तो फिर नहीं टिपा जाएगा। मैं ये मन से बताना चाहता हूं, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, मालिक वर्ग से भी,
आपके लिए भी मैं काम करता रहता हूँ, चाहे टी बोट में हो चाहे भारत सरकार से आपको मदद मिले पूरी मैं चेष्टा ईमानदारी से करता हूँ। मेरा निवेदन है श्रमिकों को 20% बोनस हर साल मिलना चाहिए, बगैर आंदोलन के मिलना चाहिए और पूजा से पहले मिलना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूं। आज देखिए पीएफ को लेकर के पश्चिम बंगाल के जो हमारे अभिषेक बैनर्जी जी, उन्होंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी है उनका घर घेराव करो, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ जगह ये ड्रामा चला भी, लेकिन मैं टीएमसी अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी सबसे पूछना चाहता हूं, दार्जिलिंग में 12 एफआईआर हुआ, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी में 68 एफआईआर हुए, दोनों को जोड़ दो 80, तीनों जिले को जोड़ दो 80 एफआईआर पीएफ डिपार्टमेंट ने किया, लेकिन टीएमसी की पुलिस, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं है, ये टीएमसी की पुलिस है, आज तक एक केस के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा पुलिस वाला मालिक से मिलता है, जेब में पैसा डालता है और श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है। और ममता बैनर्जी का पूरा पार्टी का आदमी इंक्लूडिंग अभिषेक बैनर्जी वो कहते हैं एमपी का एमएलए का बीजेपी वालों का घर घेराव करो, ये पुलिस का काम है। जब एफआईआर हो गया उस मालिक को पकड़ो और जेल के अंदर डाल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने एफआईआर किया है उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, श्रमिकों को उनका हक और पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी तमाम बातें हैं, परोटा सिस्टम से लेकर के एक्स्ट्रा लीव से लेकर के पट्टा मिनिमम वेज, तमाम चीजें हैं जो आपका हक है आपका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। भाषण आज लंबा नहीं, आज से काम शुरू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बगान में आपके साथ खड़े होकर के आपको हक दिलाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी नेताओं का आपसे वादा है। और आज तक जो अन्याय अत्याचार बगान में हुआ अब वो अन्याय अत्याचार समाप्त होगा, और बगान ही क्यों, अब तो पूरे पश्चिम बंगाल से टीएमसी साफ होगा। जय हिंद जय भारत, समस्त गोरखा।